हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आज बना रही हूँ गाजर की हलवा। गाजर की हलवा बनाने के लिए गाजर अच्छी तरह से धो के साफ करके उसको कद्दूकस करना है। उसके बाद देसी घी डालेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो देसी घी डाल दिया है। उसके बाद सारे गाजर जो कद्दूकस किया हुआ गाजर डालना है और इन सबको मिक्स करना है। बचा हुआ जो छीला हुआ गाजर वो भी डाल देंगे। सबसे पहले फुल गैस में पकाया, उसके बाद मीडियम गैस में दे दिया है और एंड टाइम में सिम गैस में पकेगा। तो अभी लगभग पक गया है, तो थोड़ा सा बाकी है। आप डालेंगे खंजूर का गुड़। मैं आज गाजर के हलवा बनाएंगे खंजूर के गुड़ से। तो खंजूर का गुड़ डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। जब तक इसका पानी सूख ना जाए और इसके अंदर घी छोड़ ना दे तब तक ये पकाते रहेंगे। अब डालेंगे मिल्क। अब डालेंगे नारियल की बूरा। मैं गाजर के हलवा में हमेशा नारियल की बूरा डालना पसंद करती हूँ। लगभग हो चुका है, सारे पानी सूख गया है। अब डाल रही हूँ देसी घी। एंड टाइम में देसी घी थोड़ा सा डालने में फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत खुशबू आता है। अब डालेंगे ड्राई फ्रूट। मैंने सारे सीड्स लिया है, सनफ्लावर सीड्स और अलसी का सीड्स, कद्दू का बीज, ये सब सीड्स डाला है। क्योंकि मैं खंजूर के गुड़ से बना रही हूँ इसीलिए आज नारियल की बूरा डाला है और खोया डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स करना है। बस हो चुका है हमारा गाजर की हलवा। अब मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है ना। आप लोग घर में गाजर की हलवा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी सीजन है और गाजर खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है और थोड़ा सा खोया डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।